सेनेट इजलास में मियां अतीक शेख और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। एक दूसरे को धमकियां दी, गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल किया। स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हजफ करवा दिए। वक्फे सवालात के दौरान मुशाहिदुल्लाह के सवाल पर अतीक शेख ने शोर शराबा किया। बोले कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, वो इन्हें बचपन से जानते हैं। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूं, इनकी पार्टी मुझे कत्ल की दो बार कोशिश कर चुकी है। ये अब भी ये समझते हैं कि बानी एमक्यूएम का राज है। मैंने परसों भी इन्हें कुछ नहीं कहा था, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। लो जी, मुझे बाहर निकाले, मैंने 260 आदमियों का कत्ल। तशरीफ रखें जी, मियां अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो, मैं भत्ते लेता हूँ ना, मुझे तो बाहर निकालो। मुशाहिदुल्लाह खान साहब सप्लीमेंट्री, भत्ते लेने वालों को बाहर ना निकालो। बोल बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज। तेरे जैसे मैं पता है कितना। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। बकवास कर रहा, मैंने इसका नाम लिया क्या? मियां बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज, अब अगर सप्लीमेंट्री का समझ रहा कि अभी भी अल्ताफ हुसैन का राज है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब भत्ते लेगा यहाँ पे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखे आप जी, बताए मुशाहिद साहब। मैंने तो कुछ नहीं कहा, देखे मैंने ना इसका नाम लिया है। वो है ना, जिंदगी क्या है, एक पंगा है। चले अतीक शेख क्या है, एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। अब बोल, ये एक्सपेंड कर दे। मुशाहिद साहब, मुशाहिद साहब और बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल बोले जरा।